गुड मॉर्निंग राहिल। वेरी गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। जी शुक्रिया। पूजा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। आखिर कब तक मेरी वजह से तुम परेशान रहोगी? पूरा दिन घर का काम करती हो और मेरा भी ख्याल रखती हो। पता नहीं वो नई काम वाली बाई कब आएगी। मैंने उससे बात की हुई थी, वो कुछ एक दो दिन में आ जाएगी। अब इस वक्त कौन आया होगा? आप चाय पीजिए, मैं देखती हूँ। जी नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। पर आप कौन? मैं शीला, आपकी नई नौकरानी। वो कॉल पे बात हुई थी ना? अरे हाँ हाँ, याद आया। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। जी शुक्रिया मैडम जी। शीला। जी मैडम जी। तुम पहले झाड़ू पोछा कर दो, पगार के बाद हम बाद में करेंगे। जी मैडम जी, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तुम पहले ये हॉल की साफ सफाई कर दो, बाद में सारे रूम क्लीन कर लेना। ठीक है मैडम जी। आप यहाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो गया था तो चार्जर लेने आया था। अच्छा ठीक है। पूजा ये कौन है? साहब जी मैं आपकी नई नौकरानी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अच्छा सुनो शीला, तुम साहब जी को उनके कमरे तक छोड़ दो, और हाँ उनका चार्जर भी दे देना, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। जी मैडम जी। ठीक है, मुझे कमरे तक छोड़ दो। जी साहब जी। चलिए साहब जी, आइए साहब जी। इस साइड बैठिए। वैसे क्या नाम बताया तेरा? जी साहब जी, शीला। शीला, नाम तो काफी खूबसूरत है, और तुम भी। क्या साहब जी? वो मैंने सोचा कि तुम्हारी आवाज ही इतनी खूबसूरत है तो तुम भी खूबसूरत होगी ना। जी शुक्रिया साहब जी। ठीक है साहब जी, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चार्जर लेकर आती हूँ। ठीक है।
शीला जी मालकिन साहब जी अगर पूछे तो बोलना कि मैं कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गई समझी जी समझ गई मालकिन ये कौन अगर इस घर में काम करना है तो ना ही कुछ सुनो और ना ही कुछ देखो बस चुपचाप अपना काम करते जाओ वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी समझी जी मालिक समझ गई आइंदा से कोई सवाल नहीं पूछूंगी बहुत बढ़िया शीला शीला मेरे लिए ग्लास पानी लाना तो जी साहब जी अभी लाई जा जाके पानी दे गया और हाँ अगर वो कुछ मेरे बारे में पूछे तो तुझे पता ही है कि क्या बोलना है जी जी मालकिन चलो चलो ना कलर की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो क्या आपको कैसे पता कि मैंने आज ब्लू कलर की साड़ी पहनी है इसका मतलब आप देख सकते हो हाँ मैं देख सकता हूँ मुझे अंधा करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी पूजा ही है क्या हाँ उसने और उसके आशिक ने मिलकर मेरी आंखों में कुछ डालकर मुझे अंधा तो कर दिया लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पिछले 4 महीनों से मेरी आंखें ठीक हो चुकी हैं अब मैं उन दोनों से बदला लेना चाहता हूँ क्या तुम मेरा साथ दोगी साहब जी पर मैं कैसे ये सब तुम्हें सिर्फ उनके खिलाफ मुझे कुछ पुख्ते सबूत लाके देने होंगे बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा 5 लाख रुपए हाँ 5 लाख रुपए बोलो करोगे मेरा काम ठीक है साहब जी अब जैसा बोलोगे जो बोलोगे वैसा वैसा मैं करूंगी पर काम हो जाने के बाद मेरे 5 लाख तो मिल जाएंगे ना समझो मिल ही गए अरे वाह शीला आज तो तुमने इतना बढ़िया खाना बनाया है कि जी करता हो कि खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चबा लो साहब जी आपको पता है मेरे गांव में भी सब लोग मेरे खाने की इतनी तारीफ करते हैं अरे भाई जब तुम खाना ही इतना बढ़िया बनाओगी तो लोग तो तारीफ करेंगे ही ना
मैम साहब, आपको कैसा लगा खाना? ठीक है, बट हाँ, ये सब्जी में नमक थोड़ा कम है। ठीक है मैम साहब, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। साहब जी, आपके लिए रोटी लाऊं? अरे नहीं नहीं, बस अब ये तो खत्म हो जाने दो, बाद में ले लूंगा। मैडम जी, आपके लिए कुछ लो। नहीं नहीं, मेरा हो गया। श्रीका, आज के दिन में कोई सबूत मिला गया? साहब जी, आज तो कोई सबूत हाथ नहीं लगा, पर कल के दिन मैं पक्का सबूत इकट्ठा कर लूंगी। अरे तुम्हें पता है ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है। शीला, मेरे लिए एक ग्लास पानी तो ला। जी हाँ मैम साहब, अभी लाई। देखो तो कौन आया है। हाँ साहब जी। जी नमस्ते मैडम, ये आपने जो ऑनलाइन सब्जियां ऑर्डर की थी लेकर आया, आप इसे अंदर रख लीजिए। जी शुक्रिया। पूजा? हाँ घर में कोई आया है क्या? नहीं तो, कोई नहीं आया है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर में कोई आया है। अरे नहीं बाबा, कोई नहीं आया है। अच्छा आप शीला से ही पूछो। हाँ साहब जी, घर में कोई नहीं आया, मालकिन सच कह रही है। नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई ना कोई तो आया है। ये देखो, मैंने कहा था ना, कोई ना कोई तो घर में जरूर आया है। साहब जी, ये मैं हूँ, आपकी कामवाली बाई शीला। क्या? हाँ। रोहित, अब ये मस्ती छोड़ो और जाओ, जाके आराम करो। शीला, साहब जी को लेके जाओ। जी मालकिन, चलिए साहब जी। कमरे के अंदर कैमरा तो लगा दिया है ना? हाँ साहब जी, कैमरा तो रख दिया है, आज बात बनी जाएगी। बहुत बढ़िया। My name is Sheila.
रखी जवानी ला 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 उनके खिलाफ मुझे कुछ पुख्ते सबूत लाके देने होंगे। बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूँ। बोलो, करोगी मेरा ये काम? 5 लाख रुपए? हाँ, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? शीला, तू तो मौज करेगी मौज। मेरे 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए? शीला जी साहब जी, ये सब छोड़ो और मुझे सबूत दो। हाँ, हाँ। जी साहब जी, इसमें सारे सबूत हैं। साहब जी, मेरे पैसे। तुम्हें कल शाम तक तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जाओ अब घर का काम करो। पागल, पैसे भी नहीं सबूत दे दिए। अगर साहब जी ने कल पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मेरा नाम भी शीला है, काट के रख दूंगी। शीला? हाँ जी मैम साहब, अभी आई। डार्लिंग, आज के लिए तुम्हारे पति है ना, कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा है। अंधा तो उसे बना दिया है, फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई है। अब तो मुझे लगता है कुछ और ही करना पड़ेगा। मार दो उसे। क्या? मैंने कहा मार दो उसे। वैसे भी वो जिंदा रहेगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। उससे तो अच्छा यही है कि जान खत्म तो खेल खत्म। वाह वाह डार्लिंग वाह, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। वाह क्या बात है। रोहित, यहाँ तुम तो अंधे थे ना? अंधा मैं नहीं था, अंधी तो तुम थी, जो मेरे दौलत के लिए अपने ही पति को धोखा दे रही थी। ए शाने, ज्यादा बकबक मत कर, चल निकल यहां से वरना यही तुझे खत्म कर दूंगा। शीला, शीला बहुत बढ़िया, अगर आज तुम नहीं होती ना तो इन दोनों को मैं साबित नहीं कर पाता। और तुमने जो मेरे को सबूत दिए है ना, वो कल मैं पुलिस स्टेशन में जाकर जमा करवा दूंगा। मतलब ये तुम दोनों है? जी मैम साहब, ये हम दोनों का ही प्लानिंग था। मैंने सारे सबूत एक मोबाइल में ले लिए हैं और वो मोबाइल मैंने साहब जी को दे दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। दो दिन में मैं डिवोर्स पेपर रेडी कर रहा हूं, उसके ऊपर साइन करने के लिए रेडी रहना। रोहित, मेरी बात सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहित मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज रोहित। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। चलो शीला। रोहित प्लीज मेरी बात सुनो। रोहित